एक नामचीन अपराधी विनोद चौहान की पारुल सोलंकी से शादी के सिर्फ 4 दिन पहले हत्या हो जाती है, वो भी तब जब उसने जुर्म की जिंदगी छोड़ देने का फैसला कर लिया था। आज इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में इस कत्ल की सच्चाई से पर्दा उठेगा। क्राइम पेट्रोल सतर्क। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो अभी तक सामने नहीं आया। कोई छुपा मकसद, कोई हिडन एजेंडा है इस खून के पीछे जिसे बड़ी सफाई से छुपा दिया गया है? सर, मुझे इस केस में पारुल सोलंकी पर सबसे ज्यादा शक है। कुछ है उसके बारे में जो वो छुपा रही है। मुझे भी ऐसे ही लगा। उन लोगों ने पारुल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उसे ऐसे ही छोड़ दिया। कोई ना कोई वजह तो है इसके पीछे। हेलो, आनंद मिश्र। हाँ बोलो। जो क्राइम ब्रांच से ग्रीष्म मोदी बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ बोलिए। मुझे तुमसे मिलना है, ऑफिस आ जाओ। कब तक आ सकते हो? साहब दोपहर को आऊँ, 2 से 4 दुकान बंद रहती है। ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मकवाना, दोपहर 2 बजे ठीक इसी वक्त तुम पारुल से बात करोगे। सर। मैं बहुत परेशान थी, टूट सी गई थी मैं। फिर तुम अपने पहले पति के पास वापस लौट आई, जिससे तुम्हारा तलाक हो चुका है? नहीं, वो आए थे मेरे पास। जो कुछ भी हो साहब, पर हम कभी पति पत्नी थे, हमारा एक बेटा भी है। हमारे बीच मतभेद थे, मनभेद नहीं थे। अब भी कहीं थोड़ा अपनापन बाकी है। तो तुम उसे दिलासा देने गए थे? मैं उसका दुख बांटने गया था। पारुल केम छे बा? बहु उदास छे, सदमे में बैठी है। दरअसल मुझे खुशी होनी चाहिए तुम्हारे ये हालात देखकर, पर सच कहूं पारुल तो मैं बहुत दुखी हूं। एक वक्त था जब हमने सुख दुख बांटा है, मैं पहले ही तुमसे ये कहना चाहता था कि तुम्हारा विनोद के साथ लगन ठीक नहीं है। विनोद जैसे इंसान के साथ तुम पूरी जिंदगी नहीं जी सकती, पर कह नहीं पाया। तुमने भी तो जैसे ठान सी ली थी। मैं अंदर से टूट चुकी थी आनंद, मैं अपना जीवन जीना चाहती थी। तुम्हारा जीवन भी तुम्हारे साथ था, तुम्हारा जीवन साथी भी तुम्हारे साथ था। तुम ही चली गई। हर्ष अभी तक ये स्वीकार नहीं कर पाया है कि तुम जा चुकी हो। वो अभी भी तुम्हें याद करता है। तो तुमने उसे वापस लौटने के लिए राजी कर ही लिया? हाँ साहब, हर्ष के लिए, उसी के लिए मैं चाहता था कि पारुल वापस आ जाए। हर्ष पर ही बहुत ज्यादा असर हुआ था पारुल के चले जाने का। हर्ष खाना तैयार है, तू जाके कपड़े बदल ले, जा। तुम अपने बेटे के लिए वापस आई हो? मैं अपनी जिंदगी जीने के लिए वापस आई। तो पहले क्यों चली गई थी? मेरे और आनंद के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। क्या ठीक नहीं था? किस बात पर नहीं बनती थी? हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते थे। शादी के 14 साल के बाद ये बात तुम्हारी समझ में नहीं? कभी कभी बहुत समय लग जाता है ये समझने में कि जैसा हमने सोचा था वैसा हमेशा होता नहीं है। मगर जो ठीक नहीं था उसे फिर से ठीक करने में बहुत कम वक्त लगा तुम्हें। फिर पारुल भी वापस लौट आई तुम्हारे पास। एक नई जिंदगी की तलाश ने पारुल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। इस हादसे से बहुत टूट चुकी थी। वैसे
विनोद से शादी भी एक हादसा ही होती, क्योंकि गुंडा था वो, एक ना एक दिन ऐसी ही मौत आनी थी उसे। पर शादी के फैसले के वक्त पारुल को इस बात का अंदाजा नहीं था। मुझे नहीं पता वो तीन लोग कौन थे, मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई क्योंकि उनका चेहरे ढके हुए थे। मेरा बेटा स्कूल से वापस आ गया, उसे मेरी जरूरत है, क्या मैं? बिल्कुल। आनंद मिस्त्री, क्या पारुल ने ही विनोद को मरवाया है? कैसी बातें कर रहे हैं साहब? पारुल एक सीधी सादी सी औरत है जो गलत रिश्ते में फंस गई थी बस, लेकिन वो कभी किसी को मरवा नहीं सकती साहब। बाप, अब तो हम में से किसी एक के साथ रहो, यहाँ अकेले कैसे रह पाएगी आप? इतन बेटा, धवल बेटा, मैं यहाँ ठीक हूँ, संभाल लूंगी सब। बा, अपनी उम्र देखो, नहीं रह पाओगी। विनोद के साथ रहने की तुम्हारी हमेशा से जिद रही है, ये जानते हुए कि वो कैसे गैरकानूनी और उल्टे सीधे धंधे करता था, लेकिन अब तो वो नहीं रहा बा, अब तो हमारे साथ रहो। मैं यहाँ ही ठीक हूँ, विनोद गलत था, हमेशा से गलत था, मैं उसे बदल नहीं पाई, हार गई मैं, हार गई। आप उसने कभी हमारी बात नहीं मानी, हमेशा अपनी चलाती है, अब तो कुछ समझ जाए, जिंदगी में जो हो रहा है उसे माने और अपनी जिंदगी संवारे। पारुल, मैं बहुत खुश हूं कि तुम इस घर में वापस आ गए। दो लोग पारुल और आनंद अलग होते हैं, पारुल विनोद के साथ रिश्ता जोड़ती है, विनोद मारा जाता है, उसके बाद पारुल वापस आनंद के पास लौट आती है। इस सब में से किसी साजिश की बुनी आती? मतलब दोनों के अलग होने का कोई खास मकसद था? जानबूझकर तलाक लिया गया, विनोद चौहान से पारुल का प्यार भी एक सोचा समझा कदम था ताकि विनोद प्यार में पड़ जाए और उसे मार दिया जाए। हो सकता है ऐसी कोई साजिश हो। कहीं छोड़ दूं क्या तेरे को? मैं तेरे लिए खुद को बदल लूंगा, मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता कि बस अब और नहीं। मकवाना, ये पारुल और आनंद की हिस्ट्री निकलवाओ, हर छोटी बड़ी बात पता करो, मुझे लगता है इस बार जरूर कुछ हाथ लग गया। क्या सचमुच कोई साजिश थी, कुछ था इनके बीते कल में? विनोद की मौत के बाद पारुल का ऐसे अचानक अपने पहले पति आनंद के पास लौट आना पुलिस को बहुत संदेहजनक लग रहा था। जिसकी हत्या हुई उसका इतिहास जुर्म से भरा था, लेकिन उसकी हत्या में किसी गैंग का शामिल ना होना यह पुलिस को बहुत अजीब लग रहा था। हावेल जी बोल, क्या पता चला? साहब, ये पारुल और आनंद बड़ी जानी मानी लव स्टोरी है इनकी। पर विनोद चौहान से इसका कुछ लेना देना था क्या? वो तो नहीं पता साहब, लेकिन 14 साल पहले जब इन लोगों का प्यार हुआ था तो दोनों का अपने घर वालों के साथ बहुत झगड़ा हुआ था। आनंद तब 26 साल का था और पारुल तब कुछ 20 साल की थी। मुझे ना समझ में ही नहीं आ रहा है कि अगर बापूजी को हम दोनों के बारे में पता चलेगा ना तो वो क्या बोलेंगे। कभी ना कभी तो पता चलेगा ना पारुल। बता दो उनको। मैं बता दूं या तुम साथ चलोगे? हाँ मैं आऊंगा, पहले तुम्हारे बापूजी से बात करेंगे फिर मेरे बापूजी को बताएंगे। तैयार रहना, दोनों उछल जाएंगे। बापूजी!
कि हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आकर तेरा हाथ मांगने की। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे से लगन करना है हमें। बाबूजी बेशरम, उसकी जात में लगन करवाऊंगा मैं तेरा, बिरादरी थूकेगी मुझ पे। कुछ भी हो जाए, लगन अगर करूंगी तो उसी से करूंगी। सुन ले, अपने हाथों से गला दबा के मार दूंगा, पर तूने इस बारे में सोचा भी तो? इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मेरा लगन उससे नहीं हुआ ना तो अपने आप को मार डालूंगी मैं। बहुत जबान चलाती है, मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई ना तूने, तो सोच ले मैं भूल जाऊंगा कि मेरे कोई बेटी भी है। हाँ तो शू बोले छे पारुल बेटा, हमेशा बड़ों के खिलाफ जाना जरूरी है क्या? हमेशा अपनी मनमानी करेगी? मम्मी अगर तू और बाबूजी मेरी बात मान लोगे ना तो मुझे अपनी मनमानी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे उस लड़के से रिश्ता करके बिरादरी में हमारी नाक कटवाएगी क्या? और इस रिश्ते के लिए उस लड़के के घर वाले भी राजी नहीं होंगे, तू देख लेना। बापूजी मैं पारुल को बहुत चाहता हूँ और मैं उसी के साथ लगन करूंगा। जब तूने नक्की कर ही लिया है तो मुझे पूछने का नाटक क्यों कर रहा है? देख बेटा, बिरादरी में हमारी भी कुछ इज्जत है और तुम दोनों उसे मिट्टी में मिलाकर ही चैन लोगे। देख तुझे जो करना है कर, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। और मैं भी किसी भी हालत में पारुल को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, फिर भूल जाओ कि तुम्हारे कोई माँ बाप भी हैं। आनंद, ऐसे गुस्सा करके क्या होगा, कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा ना। पता है पारुल, अब हमें वही करना होगा जो हमको ठीक लगे। मतलब हम हमारे माँ बाबूजी के विरुद्ध जाएंगे? अगर हम ऐसा करते हैं तो वो फिर कभी हमारा मुंह नहीं देखेंगे। अपने घर वालों से इतना लड़ झगड़ कर दोनों ने शादी की, फिर 14 सालों में ऐसा क्या हो गया कि दोनों अलग हो गए? पूरी जिंदगी थोड़ी ना हनीमून होता है। जब इंसान साथ में आसमान से जमीन पर पैर रखता है तब जिंदगी का व्यवहार समझ में आता है, तब सबकी जरूरत पड़ती है। मेरे बाप बापूजी ने अपना लगन स्वीकार कर लिया है। लगन स्वीकार कर लिया है, लेकिन हमें तो नहीं स्वीकार किया ना, मुझे तो नहीं अपनाया, बोल दिया जाके दूसरे घर में रहो। हाँ तो तुम्हारे बाप बापूजी ने क्या अलग किया? आनंद मैं माँ बन चुकी हूँ और अब मुझे समझ में आता है मेरे माँ बापों के दिल की बात। वो लोग बूढ़े हो रहे हैं, उन्हें ज़रूरत है हमारी, और मुझे भी तो याद आती है ना उनकी। तुम्हें अच्छी तरह से पता है तुम्हारे बापूजी को मैं फूटी आंख नहीं भाता। हाँ लेकिन इससे हम दोनों अलग तो नहीं हो रहे ना, और पहले भी उनके मना करने पर भी हम दोनों अलग नहीं हुए थे। अगर इस उम्र में मैं उनसे मिलने जाती हूँ तो क्या खराबी है आनंद, मेरे माँ बापूजी हैं वो। मैंने कहा ना तू उनसे नहीं मिलोगी, बस। क्यों नहीं मिलोगी? हर्ष को भी घर परिवार मिलेगा, नाना नानी का प्यार मिलेगा, और वैसे भी आनंद उन लोगों को अब हमारे साथ रहने से कोई शर्म नहीं आती। इतना समय बीत चुका है, सब कुछ बदल गया है, लेकिन आप बिल्कुल नहीं बदलना चाहते। नहीं, नहीं बदलना चाहता, नहीं बदलूंगा। मैं जा रही हूं। कहां? इस घर से दूर। घर से दूर मतलब? तुमसे दूर। मैंने तुम्हारे लिए मेरा घर छोड़ा, बाबा पूजी को छोड़ा तुम्हारे साथ ये घर बनाने के लिए। मैंने भी वही सब किया था आनंद, सब कुछ छोड़ छाड़ के आई थी यहां मैं तुम्हारे साथ, और ऐसे ही छोड़ छाड़ के चली भी जाओगी? मुझे तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती अब, बस। ठीक है जाओ, मैं भी नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें हर्ष को ले जाने नहीं दूंगा, वो मेरा बेटा है। पर इन सब में विनोद चौहान बीच में कहां से आ गया? साहब पहले आनंद और पारुल ने तलाक की अर्जी दी, फिर पारुल विनोद चौहान से मिली, उसने तलाक होने का इंतजार किया, फिर शादी की तैयारी शुरू हो गई। कहानी बस इतनी सी है या कुछ और भी है जो हमें पता नहीं चल रहा? सर अब तक हम वो कड़ी नहीं ढूंढ पाए हैं जिससे ये पता चले कि क्यों शादी से बस 4 दिन पहले विनोद चौहान का खून हो गया। नहीं सर, जहाँ तक हमें याद है
पारुल या आनंद के घर वालों से हमारा कोई लेना देना नहीं था। जबकि पारुल और विनोद के लगन की बात हमें बहुत देर बाद पता चली, जब वो फैसला कर चुके थे तब। ये छोटा शहर है, जब पारुल और आनंद की लव मैरिज हुई तो बिरादरों में बहुत हल्ला मचा था, सबको पता तो होगा। अरे साहब, कुछ बातें घर की चार दीवार के बाहर आती ही नहीं है, भले ही चाहे कोई बिरादरी के बाहर जाकर कुछ करे। हम उस वक्त थोड़ी खुसर पुसर हुई थी, लेकिन इतना भी नहीं कि शहर भर को पता चल जाए। अब तो बोलते बोलते जबान भी थक गई है साहब, जरा भी खबर होती कि ऐसा कुछ होने वाला है तो विनोद भाई के साथ होते हम लोग। क्या ऐसा भी हो सकता है कि विनोद पारुल को बहुत पहले से जानता हो, पारुल और आनंद के अलग होने के पहले से? कुछ ऐसा हुआ हो कि कोई पुरानी वजह झगड़ा बन गई हो? क्या पारुल और आनंद के अलग होने की असली वजह विनोद था, या फिर कोई और वजह थी पारुल की विनोद से इस तरह से बदला लेने की? नहीं साहब, ये क्या बात कर रहे हैं आप? जहाँ तक हम लोगों को मालूम है, विनोद भाई तो पारुल भाभी को जानते भी नहीं थे। जमानत पे रिहा होने के बाद ही वो पहली बार पारुल भाभी से मिले थे, इसके पहले उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था सर। सर, पारुल के फोन रिकॉर्ड्स की जांच कर ली, कुछ नहीं मिला। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तीन लोग खून करके चले गए और किसी को कोई खबर नहीं है कि वो थे कौन, कहां से आए थे तीनों, उसे क्यों मारा। पकवान, ये विनोद चौहान का केस कभी सॉल्व भी होगा या फिर ऐसी गोल गोल चक्कर लगाते रह जाएंगे हम लोग? सर, ये कोई अंदरूनी गैंग वॉर भी हो सकती है, कोई अंदरूनी साजिश। हो सकता है उन्हें बाहर से बुलवाया गया हो, तीन लोग जिन्हें कोई नहीं जानता आए, काम करके चले गए, न मकसद पता चला और न ही कोई सबूत मिला। क्या ये केस ऐसे बिना सुलझे ही रहने वाला था? हमलावरों या उनसे ये हत्या करवाने वालों के बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा था, किसी जाति दुश्मनी के भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। अचानक एक ऐसा नजरिया सामने आया जिस पर अब तक किसी का ध्यान ही नहीं गया था। जो कुछ भी हो साहब, पर हम कभी पति पत्नी थे, हमारा एक बेटा भी है। हाँ साहब, हर्ष के लिए, उसी के लिए मैं चाहता था कि पारुल वापस आ जाए, एक नई जिंदगी की तलाश ने पारुल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। सर मकवाना, मुझे लगता है अब तक हम इस केस को गलत नजरिए से देख रहे थे, एक एंगल को तो अब तक हमने छुआ ही नहीं। पारुल ने आनंद को छोड़ा है, यह भी तो हो सकता है कि आनंद नहीं चाहता हो कि पारुल और विनोद की शादी हो, पर उसने अपनी मर्जी से पारुल को तलाक दिया था। फिर भी इस एंगल के बारे में हमने नहीं सोचा है। मकवाना, ये जो तीनों हमलावर हैं, हो सकता है आनंद के साथ इनका कोई रिश्ता हो, पता लगाओ। सर, आनंद की पारुल से कई महीनों तक कोई बात नहीं हुई है, कोई ऐसे कॉल रिकॉर्ड्स भी नहीं है जिनसे उस पर शक हो। बल्कि अगर आनंद ने इस खून की साजिश की होती तो हमें उसके कॉल रिकॉर्ड्स में कोई सुराग जरूर मिलता, उन खूनियों को किए गए कॉल्स, खून के पहले या खून के बाद में। लेकिन यहाँ पर खून से दो दिन पहले और तीन दिन बाद तक आनंद ने अपने फोन से किसी से भी कोई भी बात नहीं की। सर,
भगवान वो फोन रिकॉर्ड्स लेकर आओ, मुझे फिर से देखना है। मर्डर से दो दिन पहले और तीन दिन बाद तक कोई फोन कॉल ही नहीं है। यस सर। पांच दिन तक किसी से कोई बातचीत नहीं। जी हाँ, मतलब उसने अपना फोन बंद कर दिया होगा। हो सकता है सर। मुझे पारुल और विनोद के लगन का कार्ड मिला था। उसने पूरे शहर को बुलवा दिया था। लोगों को जैसे बस बातें बनाने का मौका मिल गया था। सब मुझसे अगर पूछते थे ये क्या हो रहा है आनंद भाई, सुना आनंद भाई, तुम्हें पता था आनंद भाई, तो मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना था, बस बंद कर दिया फोन। तुम्हें बुरा लगा कि पारुल किसी और से शादी कर रही थी? मुझे किसी से बात नहीं करनी थी, किसी को बताना नहीं था हम लोग क्यों अलग हुए। वो झूठ बोल रहा है। उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि उसे बहुत धक्का लगा था इस खबर से। पांच दिन तक कोई बातचीत नहीं। उसका कहना है कि वो लोगों से बात करने से बच रहा था। मुझे लगता है उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि खूनियों से उसकी बात ना हो और उस पर किसी को शक ना हो। लेकिन सर, उसके फोन पर इसके पहले भी ऐसे कोई कॉल्स नहीं है जिनसे उस पर शक हो। उसने ये सब कुछ बहुत चालाकी से किया होगा। आपका शक सही निकला। विनोद चौहान के मर्डर से तीन दिन पहले करीब 113 नए सिम कार्ड्स खरीदे गए और उसमें से एक आनंद मिस्त्री के नाम है। यस सर। मकवाना, हमें पहले से ही इस एंगल में सोचना चाहिए था, पर पहले किसी का इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। हाँ साहब, ये वही आदमी है जिसने सिम खरीदा था। 100%। भाई साहब, ये कब तक चालू होगा? लगभग 4 कलाक में हो जाएगा। हो जाएगा ना। थैंक्स। ठीक है सर। जिन लोगों से आनंद ने बात की उनमें से एक का नाम फूलजी है। ये पास के ननकू गांव में दिहाड़ी मजदूर है। देखा उसे। कहाँ लेके जा रहे हो? अरे मैंने किया क्या साहब? अरे साहब, बोल जी, तेरे साथ दो लोग और थे। कौन थे वो? विलास और कंदर। कहाँ मिलेंगे? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आनंद, मैंने कहो बधु बराबर छे ना? मैंने कभी सोचा भी नहीं था पारुल तुम मुझे इस तरह छोड़ के चली जाओगी। याद है
जब हम मिला करते थे छुप छुप के, यही सोचा था हम, माँ बापू जी, दुनिया वाले चाहे कोई भी कुछ भी कहे, हम साथ रहेंगे। अब तो मैं वापस आ गई हूँ ना। तुमने छुट्टा छड़ा लिया ही क्यों? आनंद, तुम्हें भी तो यही चाहिए था। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए था। मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारा किसी और से शादी करना इतना चुभेगा दिल को। तुमने पहले कभी कहा ही नहीं इस बारे में कुछ मुझसे। मैं सोच रहा था तुम्हें खुद से इस बात का एहसास क्यों नहीं हो रहा। हर्ष को रोज देखता था मैं। अपना अलग होना ना उसके समझ में आ रहा था, ना वो सह पा रहा था। दिन भर इसी परेशानी में रहता था मैं। कैसे संभालू इस घर को, कैसे संभालू हर्ष को, कैसे संभालू। आपने हर्ष को अपने पास रखा था आनंद, मैं तो उसे ले जा रही थी ना। मुझे ये नहीं पता था छुट्टा छड़ा होने के बाद तुरंत किसी और से शादी करने का फैसला लोगी तुम। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती थी आनंद, और विनोद से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं उसके साथ अपनी बाकी की जिंदगी अच्छे से बिता सकूंगी। और मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था तुम्हारी शादी किसी और के साथ होते हुए देख। दिल चलता था मेरा तुम्हारा उसका शादी का कार्ड देखकर। पूरा शहर आके पूछ रहा था क्या हुआ, पारुल तुम्हें छोड़ के क्यों चली गई, वो किसी और के साथ शादी क्यों कर रही है। कोई जवाब नहीं था मेरे पास। हर्ष पर क्या बीत रही थी कुछ पता है तुम्हें? आनंद, विनोद को कहीं तुमने तो नहीं मरवाया ना? आनंद भाई, आज कोई काम नहीं मिला, पैसे कल दे दूं तो चलेगा? कुल जी, तुम्हें पता है मैं उधार नहीं रखता। आनंद भाई, मैं कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा हूँ, कल मैं जरूर दे दूंगा। कल याद से दे देना। कुल जी, नहीं आओ तो। जी आनंद भाई, तुम मेरे काम करोगे? आनंद भाई, दिहाड़ी मजदूर हूँ, काम की तलाश रहती है, काम को कैसे ना बोल सकता हूँ। आनंद भाई, विनोद भाई कितना खतरनाक आदमी है, आप बरोबर जानते हैं ना। देख, उसे तुझ पे कोई शक नहीं होगा, तुझसे कोई खतरा होगा ये वो सोच भी नहीं सकता है। और मैं हूं ना, मैं बताऊंगा ये सब कब करना है, ठीक है? आराम से हो जाएगा सब। और वैसे भी मैंने सुना है कि सब बुरे काम छोड़ रहा है वो अभी। ना आनंद भाई, मुझे डर लग रहा है। किसी को साथ लेके जाना ना, कोई जान पहचान वाला होगा ना। हाँ, और मुफ्त में करने को थोड़ी बोल रहा हूँ मैं। देख, इतना पैसा दूंगा कि एक साल ऐश से कट जाएगा, समझ फूल जी। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी उसकी पत्नी बने, लोग थूकेंगे मुझ पर। एक साल तक का पैसा, और जब चाहे मेरी दुकान से राशन उठा लेना। आनंद भाई, ये विलास है और ये कंधर्प है, ये दोनों भी मेरी तरह दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। ठीक है, मैं सबको पैसे दूंगा। हाँ, और फोन करके बताऊंगा काम कब करना है। अपना नंबर दो तुम। 444-56-7865। देखो, ठीक है, फिर मैं इस नंबर से फोन करके बताऊंगा। हाँ, ठीक है। ठीक है आनंद भाई, चलो। उस दिन मैंने फूल जी को तुम्हारा पीछा करने को कहा, तुम लोगों ने आशीष के दुकान से गहने खरीदे। सुन, तू मोरी कनाल गांव जाके सबको निमंत्रण बांट के आ जा। भले विनोद भाई। हा? और याद से सबको देना, किसी को मेरी शादी में आने के लिए डरने लगना चाहिए। हाँ, मैंने फूल जी, कंदरपुर विलास को उस रात हमला करने को कहा। हम आज ही रात में उन सबको निपटा देते हैं।
पुलिस को मुझ पर शक है, पर मुझे ऐसा लगता है वो जल्दी मुझ तक पहुंच जाएंगे। पारुल को कुछ नहीं पता, मैंने ये सब मेरी इज्जत बचाने के लिए किया है। उन्होंने अपनी मर्जी से मुझे तलाक दिया था, मुझे नहीं पता था कि वो मेरी शादी से इतना परेशान थे। तुम दोनों ने हमेशा वही किया जो तुम्हें सही लगा। घर वालों में झगड़े होते हैं, मन मुटाव होता है, मगर घर बार जोड़ के रखना तुम दोनों का काम था। तुम दोनों को आपस में बैठकर सब सुलझाना चाहिए था तो बातचीत से सब हल हो जाता है। मगर इस बात का क्या मतलब कि क्या करना चाहिए था और क्या नहीं। अब जो भी हुआ, तुझे अपनी बाकी की जिंदगी ऐसे ही गुजारनी है। बाप, पारुल के पहले पति को यह लगन रोकना था। वो नहीं चाहता था कि उसकी दोबारा शादी हो। उसी ने विनोद को मरवा दिया। मेरे दिमाग में तो यह बात ठीक से जा ही नहीं रही। जब विनोद भाई को प्यार हो गया, लगन करके घर बसाने की बात सोच लिया, यह धंधा छोड़ने की बात सोच लिया, तब मर्डर हो गया और ये मर्डर पारुल भाभी के पति ने करवाया। इस कत्ल का मास्टरमाइंड आनंद मिस्त्री और उसके तीन साथी विलास, फूलजी और कंडर्प इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। इन पर मुकदमा जारी है। पुलिस ने इस केस की गहराई से जांच की और पाया कि पारुल को विनोद चौहान के खून की इस साजिश के बारे में कुछ भी पता नहीं था। पारुल अब अपने बेटे हर्ष के साथ अपने माता पिता के घर रहती है। विनोद की माँ अब अपने बाकी दोनों बेटों के साथ रहती है। आनंद ने इस तरह की कोई साजिश की होगी ये सोचना भी मुश्किल था, क्योंकि उसका ना तो विनोद चौहान से कोई संपर्क था और ना ही कोई नाता। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पारुल को वापस पाने के लिए आनंद ने ऐसा किया था, क्योंकि दोनों ने अपनी मर्जी से तलाक लिया था। इस केस के दोनों सिरों पर एक प्रेम कहानी थी, एक आनंद और पारुल के बीच और दूसरी विनोद और पारुल के बीच, पर दोनों कहानियों का अंत दुखद हुआ। इंसानी कमजोरी से समझदारी हार गई, ईर्ष्या ने जुर्म का रास्ता अपनाया। आनंद के दिमाग में क्या चल रहा था, क्या मकसद था उसकी सोच में, पारुल समझ ही नहीं पाई। पर सबसे ज्यादा चोट पहुंची एक मासूम बच्चे हर्ष को, जिसने पहले तलाक की वजह से अपनी माँ को खोया और अब उसका पिता सलाखों के पीछे है। प्रेम कहानियों और ईर्ष्या के इस जुर्म भरे पेचीदा मामलों के बीच फंसा एक बेकसूर बच्चा, उसके जख्मों की गहराई को कोई नहीं जान सकता था। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम। सतर्क रहें। जय हिंद।